कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। गोविंद भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, भगवान का जो नरसिंह जी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा कोई ये काम कर दो, वो काम कर दो और मैं ऐसे कष्ट पाऊंगा तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा। वो कह रहा है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यदि मैं कष्ट पाता हूं, मैं दुखी होता हूं और सब जानते हैं मैं तेरा भक्त हूं, तो तेरी लाज जाएगी, तेरी इज्जत पे बनाएगी। ये भक्त का भाव होता है। शिकायत नहीं कर रहे हैं कि तू तो बड़ा हटीला है, तू मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ये शिकायत नहीं है। वो कह रहे हैं तेरी इज्जत पे बनाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे बनवारी, नहीं तो डूब जाएं।
भवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा है। वो असद में सद असद और मिश्रित वासना की कथा है। कथा भक्तों की है लेकिन उसमें जो छुपी हुई बात है जो हमें पकड़नी है वो सदत सद असद और मिश्रित है वासना। यहां सद वासना तो प्रहलाद की है जिसे हर ओर नारायण नजर आ रहे हैं, जिधर भी वो देख रहे हैं नारायण नजर। असद वासना हिरण्यकशिपु की है कि उसे जिस ओर दिख रहा है नारायण नहीं नजर आ रहे हैं, हर तरफ उसे अपना शत्रु नजर आ रहा है। जैसे कई लोग घर में तो सेवा नहीं करेंगे लेकिन स्लम में जाके सेवा करेंगे। घर में जूते चप्पल गंदे पड़े हैं, उल्टे सीधे पड़े हैं लेकिन गुरुद्वारे में जाके जूतों की पॉलिश हो रही है, वहां सेवा दान कर रहे हैं। लेकिन घर में स्लम में जाके रोगियों को औषधि दे रहे हैं लेकिन घर में जो माता पिता बैठे हैं उनका क्या। बाहर जाके झाड़ू लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं और घर में जो गंदगी फैली है उसका क्या। जो हर तरफ एक सी दृष्टि नहीं रख रहे हैं ये मिश्रित वासना। जो है कुछ लेकिन कुछ ऐसे तिकड़म से अपने आप को कुछ और दिखाना चाहते हैं। यहां महाभारत का एक दृष्टांत निकल के आ गया कि युधिष्ठिर की मिश्रित वासना है। वो ये तो चाहता है कि द्रोणाचार्य के साथ छल हो जाए, किसी तरह ये बात हो जाए कि अश्वत्थामा मारा गया।